जब मैं 18 साल बाद आपको देखूं, अचानक समझ में नहीं आया क्या कहूं, कैसे कहूं। इसलिए झूठ कहती हूं कि उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब तुमने कल, तुमने झूठ क्यों बोला अर्चना? एलिमनी के लिए। मैं अपनी एलिमनी बचाना चाहती थी। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रही हो? मानव, अगर उस दिन आपको ये पता चल जाता कि उन पेपर्स में मेरे ही सिग्नेचर है और डिवोर्स के लिए मैंने ही पहल की, तो शायद आपको मेरे मकसद का पता चल जाता। आपको ये पता चल जाता कि जो कुछ भी करी मैं एलिमनी के लिए कर, और मैं फंस जाती। इसीलिए मैंने झूठ बोला। सच कहूं मानव, आमने सामने आकर आपसे इतना सब कुछ मांगना, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनडायरेक्टली आपसे मांगती हूँ, और मैंने वही किया। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया और मैंने वो पेपर्स कनाडा पहुंचाए। मुझे लगा कि आप चुपचाप साइन कर भेज देंगे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप तो मुझसे उल्टा मिलना चाहते थे। और जब आप यहाँ आए और सिग्नेचर्स के बारे में पूछताछ करने लगे, तो मैं घबरा गया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तुम तो ऐसी कभी नहीं थी अर्चना। हालात इंसान को बदल देते हैं माँ, और वैसे मेरे लॉयर ने मुझसे कहा था कि अदालत को ये लगना चाहिए कि डिवोर्स मैंने नहीं, आपने मुझे भेजा, तभी तो मेरा फायदा होगा, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मानव, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपसे डिवोर्स चाहिए और कुछ। हमारे रिश्ते के बारे में फैसला करने के लिए तुम्हें लॉयर्स की जरूरत कब से पड़ने लगी? लॉयर तो आप भी लेकर आए थे ना मानव, भूल गए? आपने सही कहा था मां, 18 साल का वक्त बहुत बड़ा, और इन 18 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मेरी प्रायोरिटीज भी, और वैसे मेरे लॉयर ने मुझसे कहा है कि चाहे मैं 18 साल तक आपसे दूर क्यों ना रही, लेकिन आज भी आपके पैसों पर मेरा उतना ही हक है। ये तो क्या बोले जा रही है? बोलने से पहले सोच तो ले, कहीं ऐसा ना हो आगे जाकर तुझे पछताना पड़े। नहीं वैष्णो, मैं कभी नहीं पछताऊं। मानव, उस दिन एलिमनी की जगह मैंने आपसे मेरे तीनों बच्चे मांगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे अच्छे से निगोशिएट करना चाहती थी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अपने बच्चों के बिना रह ही नहीं सकते, और ना आप अपने बच्चों को कभी मुझे देंगे। और मुझे ये भी पता कि आप इसके बदले मुझे बहुत अच्छी डील देंगे, और यही हुआ। मुझे पता ही नहीं था मानव कि डिवोर्स के बाद मुझे इतना सब कुछ मिलने वाला है, वरना मैं आपको पहले ही डिवोर्स दे देती। मानव, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, और मेरी भी कुछ जरूरतें जो सिर्फ पैसों से ही पूरी हो सकती। वो अर्जुन, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कल को मुझे जॉब से निकाल भी दे। ये हो सकता है कि आप उसे कहेंगे तो वो मुझे रख भी ले, लेकिन मैं उसे क्यों भीख मांगू जब मेरा खुद पति ही इस कंपनी का मालिक, और जब मैं उसे डिवोर्स ले ही रही हूं तो मैं उसे बहुत सारी चीजें ले सकती। और वैसे अब मैं आपसे डिवोर्स ले रही हूं तो मेरी कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी हो। देखिए मां, अब मुझे चाहिए एक बड़ा सा घर, मुझे 2-3 गाड़ियां चाहिए आपसे, और एक आलीशान सी जिंदगी। और हाँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो हर महीने आपको मेरे बैंक में देना होगा। बस अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो इसके बाद मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दूंगा। मानव, मैं अपना हक मांग, और वो आपको मुझे देना होगा।
मिस पूर्वी, आप अपनी चेयर पे नहीं थी, वेयर आर यू? मुझे पता नहीं था कि आपके एम्प्लॉयज को वॉशरूम तक जाने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एनीवेज, मैंने तुम्हें जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कही थी, तैयार हुई? Here it is. मंथ एंड की टारगेट रिपोर्ट, वो भी कहा। Here it is. और ये रही आपकी टेंडर के फॉर्म्स जो आपने मुझे फिल करने के लिए दिए थे, और ये आपकी डीओटी की फाइल। एनीथिंग एल्स सर? नथिंग एल्स। तुम खुशी खुशी अपनी बहन की सो कॉल्ड एंगेजमेंट पे जा सकती हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न सर, लेकिन ऑफिस में इतनी देर तक काम करने की वजह से ना मैं एंगेजमेंट मिस कर चुकी हूँ, तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, पूर्वी मैम, गेट बैक टू वर्क सर। सुनो, वो एनवेलप पे क्या था? वो आपका टर्मिनेशन लेटर। मेरा टर्मिनेशन लेटर? वो आप डेस्क पे नहीं थी तो मैंने सोचा, अर्जुन सर ने सोचा कि आप घर चली गई। अरे क्यों झूठ बोला तूने? जो दस्तखत तूने किए ही नहीं उसकी जिम्मेदारी क्यों ली तूने अर्जुन? इतने सालों के बाद तुझे तेरा पति, तेरा घर, तेरे बच्चे वापस मिलने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन तेरे एक झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सब करने से पहले कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचती। वही सोचकर मैंने कदम उठाया है। क्या मतलब? तब ये है, जो झूठ मैंने बोला है वो मैंने अपने बेटे के लिए बोला है। हेलो अर्चना जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सचिन बोल रहा हूँ। क्या आप कुछ देर के लिए फंक्शन हॉल से बाहर आ सकती हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा लगता है ना, फैमिली सबका साथ होना, इतना बड़ा फंक्शन और फंक्शन में सब साथ। सच, ये भी तुम्हारा ही परिवार है, तुम चाहो तो इसमें शामिल हो सकते हो। इसलिए तो आया हूं। मतलब? अर्चना जी, उसे मेरी फैमिली वापस कर दीजिए। पहले कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचती। वही सोचकर मैंने कदम उठाया है। क्या मतलब? तब ये है, जो झूठ मैंने बोला है वो मैंने अपने बेटे के लिए बोला है। हेलो अर्चना जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सचिन बोल रहा हूँ। क्या आप कुछ देर के लिए फंक्शन हॉल से बाहर आ सकती? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा लगता है ना, फैमिली सबका साथ होना, इतना बड़ा फंक्शन और फंक्शन में सब साथ। सच, ये भी तुम्हारा ही परिवार है, तुम चाहो तो इसमें शामिल हो सकते हो। इसलिए तो आया हूं। मतलब? अर्चना जी, मुझे मेरी फैमिली वापस कर दीजिए। मुझे एक बात बता बेटा, अच्छी चीजें होने में हमेशा देर क्यों लगती है? अजी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तेरे बरसों की तमन्ना भी तो पूरी हो रही है। और तू टेंशन मत ले, जैसे डिवोर्स होगा ना, मैं पापा को कनाडा ले आऊंगा। और फिर मेरी श्रावणी आई को घर,
अरे वाह बेटा वाह, इतने सालों से इसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। अजीब, बहुत जल्द तेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। आज मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा बाय बाय। आई का फोन था। जी बाबा, मुझे लगा वो टेंशन ले रही होंगी, इसलिए मैंने उनको डिवोर्स के बारे में। अच्छा किया जो तूने उसे बता दिया, वरना मैं तो ये बात कभी उसे कह ही नहीं पाता। डिवोर्स पेपर्स तेरे पास है ना? जी। जरा ले आ। अब जब सब कुछ तय हो ही चुका है तो बाकी की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देता हूँ। और जितनी भी डिमांड्स है सब पूरी होनी चाहिए। जो कुछ भी उसे चाहिए उसे उसका दोगुना देना। पिछले 18 सालों में मैंने उसे कुछ नहीं दिया है। पता नहीं मुझे कि उसकी क्या जरूरतें हैं। जब उसने कुछ मांगा ही है तो मैं किसी भी चीज में कमी नहीं रखना चाहता। शायद सबसे उसे खुशी मिले। अब वो मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उसने एक फ्लैट मांगा है, दो दे देना। दो गाड़ियां मांगी, चार दे देना। उसने मंथली अलाउंस भी मांगा है। ब्लैंक चेक दे देना साइन कर, और कह देना जितना भी अमाउंट चाहिए उसमें भर दे। उसकी जरूरतें बढ़ गई है इसलिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। देखिए आजी बिल्कुल सही कहते, अक्षरा ने हमेशा से सिर्फ पैसों से प्यार था, मुझसे नहीं। मैं ही बेवकूफ था जो जज्बात में बहकर अपना मजाक उड़ाने उसके सामने चला है। शायद अब उसे सुकून मिलता है। सबको दे देना। थैंक यू बाबा। आज मेरी आजी का बरसों का सपना पूरा हो। आखिर मैंने आपसे साइन करवाई दी, देर से ही, लेकिन मेरी श्रावणी आई को आज न्याय मिला। लेकिन इस बात की मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? अर्चना, ये बाबा ने तुम्हारे लिए, बाबा ने कहा तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मंगलम परम रूपम श्री गणेशम नमः। हेलो, मैं सचिन बोल रहा हूँ। बाबा ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया।
तो उनका लॉयर होने के नाते मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? तो मुझे एसजी पेट्रोल पंप के सामने मिलो। ठीक। अब इस खड़ूस की गाड़ी यहाँ आकर क्यों रुक गई? कहीं इसकी गाड़ी खराब वराब तो नहीं हो गई? मैडम, सर ने आपको गाड़ी में चलकर बैठने के लिए कहा है, वो आपको आपके घर तक लिफ्ट दे देंगे। आपके सर ने कहा है, आप खुद कह रहे हैं? नहीं मैडम, सर ने मुझे खुद ही आपके पास भेजा है। देखिए, आप उनसे कह दीजिए कि मैं चली जाऊंगी। उनके साथ जाने से अच्छा है कि मैं बस से चली जाऊं। देखिए मैडम, 11 बज चुके हैं और ऊपर से इतनी तेज बारिश, पता नहीं बस आएगी भी या नहीं आएगी, और वैसे भी सड़कों पर बहुत पानी भर चुका है। आप कब तक ऐसी खड़ी रहेंगी? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, बस भी आ जाएगी और मैं बस से ही जाऊंगी। ठीक है? ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। सर, मैडम ने आने से मना कर दिया है। व्हाट? लिफ्ट ले ले पूर्वी, ऐसी बारिश में बस नहीं मिलने वाली तुझे। चलो ड्राइवर। अरे ये अक्रू तो जा रहा है। रुको रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। Bloody confused soul. एक मिनट। ड्राइवर, यहाँ जरा पेपर्स बिछा दो प्लीज। Few more. Come sit down. सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। अगर आंखें खोल के बैठोगी तो सब दिखाई देगा। ड्राइवर, यहां पे जरूरत से ज्यादा नॉइज है, तो जरा म्यूजिक चला दो प्लीज। उसकी चॉइस भी इसी की तरह बोरिंग है। अब पूरे रास्ते इसी की मर्जी के बोरिंग सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? सब बाल सुखा रही हूँ। तो ये सब काम घर जाके नहीं कर सकती? सॉरी। ऐसे रिएक्ट हो रहा है जैसे मैंने पानी की बूंदें नहीं बंदूक की गोलियां छोड़ दी हो। क्यों खोल रही हो? सब बिन मौसम की बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें ये सब करना तो मैं तुम्हें वापस बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। Just close it fast, बंद करो जल्दी, just close it। और अब चुपचाप सीधे सीधे बैठे रहो। Bloody hell, boring, खड़ूस, अड़ियल, कोई इंसान भला बारिश से नफरत कैसे कर सकता है? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। मैं रहता हूँ। ड्राइवर, तुम इन्हें घर छोड़ देना और खुद घर चले जाना। मिस्टर सचिन, आप वो बिल्डिंग देख रहे? वो पता है क्या? मेरी बेटी का स्कूल। मैं वहां अपने बेटे को छोड़ने आया करती थी रोज। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहले दिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आई थी। वो बहुत रो रहा था क्योंकि वो मुझे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब प्यार से मैंने उसे समझाया तो अचानक वो शांत हो गया।
मेरी एक एक प्यार भरी आवाज ने उसके आंसुओं को सुखा दिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले। मैं अपना बेटा और वो मुस्कुराते पल वापस चाहती हूँ। मुझे वो पल वापस चाहिए। नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रख, ऐसी बातें छुपने से छुपती नहीं है। किसी और से पता चलने से अच्छा है कि तू ही सारी बातें उसे बता दे। नहीं बता दूंगी, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब अपने आप बता दूंगी। लेकिन अभी प्लीज, वक्त आने पर। इतनी लेट कैसे हो गई तू? अरे आई, एक जरूरी मीटिंग आ गई थी बस उसी की वजह से। मीटिंग? इतनी रात को कोई मीटिंग होती है क्या पूर्वी? आई, इन बॉस लोगों को तो तू जानती है ना, इनके काम का कोई स्केड्यूल ही नहीं होता है। कभी 6 बजे छुट्टी कर देते हैं तो कभी सुबह 6 बजे तक काम कराते हैं। अरे लेकिन तू इतनी भीग गई है और इतनी बारिश में अकेले कैसे आ गई? अकेले नहीं आई आजी, वो अपना खड़ूस नहीं है, उसकी गाड़ी से आई हूँ। पता नहीं कहाँ से अक्कल आ गई, मुझे लिफ्ट दे दी उसने। क्या फायदा इस लिफ्ट का, बाल देख कितने भीग गए। इतने भी नहीं भीगे आजी, छाता था ना मेरे पास। अरे ऐसे बारिश में छाता किस काम का? पूर्वी लेकिन एक बात बता, अर्जुन सर तुझे घर तक छोड़ने आए थे? नहीं आई, वो
एक्चुअली वो अपने घर उतर गए और फिर उन्होंने ड्राइवर को बोला कि मुझे घर छोड़ दे। खैर ये सब छोड़ना, तो ये बता पुनीताई का साकरपुड़ा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सब लोग तेरे बारे में कितना पूछ रहे थे तुझे पता है? तो आई तेरी आंखें लाल क्यों हो रही है? तू रोई क्या? गुड, well, I like people who accept their mistakes. Saves me a lot of time. You know, continue your work. Good morning, sir. Good morning. Thank you, sir. Thank you very much. आपकी वजह से हमारी जॉब हमें वापस आई। मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। आपकी मेहनत और आपकी लॉयल्टी की हम कद्र करते हैं। आप जैसे होनहार एम्प्लॉयज को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से। आप फिक्र मत कीजिए, आप में से किसी को भी कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। मानव, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटे, हाउ आर यू? वेल, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों से काफी नाराज हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए और आपने मुझे फोन भी नहीं किया। आई लगता है वो अपने बड़े बॉस रुको, मैं उनसे मिल के आती हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं यहाँ एक लीगल मैटर सॉल्व करने आया था। और वेल, वो तो है, वो सच्चू को मैं आपके साथ देखकर समझ ही चुका हूँ। और तू, तू नहीं फोन कर सकता था? क्या करो यार, थोड़ा क्रिटिकल केस में फंसा। मेरे सारे के सारे केस क्रिटिकल ही हो। छोड़ यार, कब तक लोगों को लड़वाता रहेगा? Well, that's my profession. Welcome to India, lawyer sir. Sir? आप हमारे सीनियर बॉस है ना? हाँ? सर, मैं पूर्वी। सर, एक्चुअली मैंने उस दिन आपको फैक्स सेंड किया था और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहती थी क्योंकि आप ही की वजह से हमारे ऑफिस के एल्डरली एम्प्लॉयज को वापस काम पे रख लिया गया। हाँ, वैसे अभी भी हम पर थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन हम जल्दी प्रूव कर देंगे कि हम कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल एसेट हैं। दैट्स द स्पिरिट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी इश्यू को लेकर कुछ भी डिस्कस करना तो मुझसे डायरेक्टली आके बात कर सकते। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। 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 ने मुझे बताया ना कि अर्चना भी इसी ऑफिस में काम करती है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।